अब तक आपने देखा कि कैसे डॉक्टर तचाल पतलू को वापस लेबोरेटरी में बुला लेता है। अब आगे डॉक्टर चाचा, अरे पतलू तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। डॉक्टर चाचा, आपने मुझे वापस क्यों बुला लिया? आप तो जानते हैं ना, मेरा दोस्त बबलू और मोटू वहाँ रोड की कैद में है और हम उनको इस तरह वहाँ छोड़ के आ गए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनको वहाँ से बचाना होगा। हाँ हाँ पतलू, मैं जानता हूँ, तुम फिक्र ना करो, हम उनको जरूर बचा लेंगे, तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। सॉरी डॉक्टर चाचा, मैं तो भूल ही गया था। अब आप बताओ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आप तो जानते हो, रोड की फैक्ट्री के बाहर गार्ड्स हैं, उनके सामने से सिर्फ रोड ही जा सकता है। अब आप ही बताओ, हम उसकी फैक्ट्री के अंदर कैसे जाएंगे? हाँ पतलू, मैं जानता हूँ और मैंने इसका हल भी निकाल दिया है। अच्छा डॉक्टर चाचा, वो क्या? रुको पतलू, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये देखो पतलू, ये रहा वो हल। डॉक्टर चाचा, पर ये तो सिर्फ एक बॉक्स है। हा, मैं जानता था पतलू तुम यही कहोगे। पतलू, क्या तुम्हें पता है इस बॉक्स के अंदर क्या है? नहीं डॉक्टर चाचा, वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा पतलू रुको, मैं अभी इस बॉक्स को खोलता हूँ। ये देखो पतलू। डॉक्टर चाचा, ये तो रोड है, आपने रोड को कब पकड़ा? अरे पतलू, ये रोड नहीं है, ये बस एक सूट है जो रोड जैसा दिखता है। इसे पहनकर कोई भी रोड बन सकता है। क्या कहा डॉक्टर चाचा, क्या सच में? हाँ पतलू, सच में। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है, जैसे ही तुमने मुझे बताया कि फैक्ट्री के अंदर सिर्फ रोड ही जा सकता है और कोई नहीं जा सकता, तो मेरे दिमाग में ये सूट बनाने का आइडिया आया और मैंने तुम्हारे लिए ये सूट बना दिया। अब तुम इस सूट को पहन के बहुत ही आसानी से फैक्ट्री के अंदर जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और ना ही तुम्हें कोई पहचान पाएगा। अरे वाह डॉक्टर चाचा, थैंक यू सो मच, आपने तो कमाल कर दिया। इट्स ऑल राइट पतलू, अब तुम जल्दी से इस बॉक्स के अंदर आ जाओ और सूट पहन लो। ओके डॉक्टर चाचा, मैं भी आया। तो बताओ पतलू, तुम्हें कैसा लगा मेरा आइडिया और मेरा बनाया हुआ रोड का सूट? डॉक्टर चाचा, ये तो बहुत ही कमाल का सूट है, इस सूट से तो मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा, मैं तो बिल्कुल रोड जैसा लग रहा हूँ। सही कहा पतलू, अब तुम बिल्कुल रोड जैसे दिखने लगे हो। अब इससे पहले कि देर हो जाए, तुम जल्दी से रोड की फैक्ट्री की तरफ जाओ और जाके बबलू और मोटू को बचा के जल्दी से यहाँ वापस लेके आओ, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके जरूर बताना। ठीक है डॉक्टर चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाता हूँ। चलो दोस्तों, चल के बबलू और मोटू को बचाते हैं। बबलू, तुम्हें क्या हुआ है? प्लीज उठ जाओ, प्लीज अपनी आंखें खोलो। दोस्तों, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मेरे पास बबलू बेहोश पड़ा है, पता नहीं रोड ने इसके साथ क्या किया है। बबलू प्लीज उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ है? प्लीज होश में आओ। मेरा सर। अरे दोस्तों, ये देखो, बबलू होश में आ गया है। अरे मोटू, तुम यहाँ कैसे, और हम कहाँ पे हैं? बबलू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मोटू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये हम यहाँ जेल में क्यों बंद हैं? बबलू, क्या तुम भूल गए हो, रोड हमें यहाँ किडनैप करके ले आया है। अरे हाँ मोटू, अब भी याद आया, रोड मुझे यहाँ किडनैप करके ले आया था और फिर उसने मेरे सर में कुछ मारा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ बेहोश हो गया था। लेकिन क्या उसने तुम्हें भी किडनैप कर लिया है? देखो बबलू, मेरी बात गौर से सुनो, मैं यहाँ सिर्फ पतलू के कहने पे आया हूँ। पतलू के कहने पे? मैं कुछ समझा नहीं मोटू। देखो बबलू, जब रोड ने तुम्हें किडनैप किया ना, तो हम में से कोई नहीं जानता था कि रोड की फैक्ट्री कहाँ है, इसीलिए मैंने खुद को रोड के हाथों किडनैप करवा दिया ताकि वो मुझे यहाँ पर लेके आए।
और जैसे ही वो मुझे यहाँ पे लेके आ रहा था, पतलू अपनी कार पे उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया है। इसीलिए तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द पतलू हमें यहाँ से बचा लेगा। क्या कहा मोटू, क्या सच में? अरे यार बबलू, धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। हाँ सच में, इसीलिए तुम डरो मत, बहुत जल्द हम यहाँ से बाहर होंगे। दोस्तों मैं रोड की फैक्ट्री के बाहर तो पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं अपनी कार के साथ फैक्ट्री के अंदर नहीं जा सकता। अगर मैं कार के साथ अंदर गया तो गार्ड को शक हो जाएगा, इसीलिए मुझे कार के बगैर ही अंदर जाना होगा। चलो दोस्तों हम फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। रोड बॉस, आप आज पैदल क्यों आ रहे हैं? आपकी वैन कहाँ है? मिनी रोड, मेरी वैन रास्ते में खराब हो गई है, इसीलिए मैं पैदल आया हूँ। चलो अब जल्दी से गेट खोलो, मुझे फैक्ट्री के अंदर जाना है। ठीक है रोड बॉस, जैसा आप कहें। तो ये है रोड की वैन, लगता है मैं रोड के गैराज तक पहुंच गया हूं। अब बस मुझे जल्दी से बबलू और मोटू तक पहुंचना होगा। चलो दोस्तों मैं जल्दी से चल के उनको ढूंढता हूं। दोस्तों मैं तो काफी टाइम से मोटू और बबलू को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहे। पता नहीं रोड ने उन दोनों को कहाँ छुपा के रखा होगा। चलो मैं थोड़ा सा और ढूंढता हूँ, शायद वो मुझे मिल जाएं। अरे दोस्तों ये देखो, ये रहे मोटू एंड बबलू। हेलो मोटू एंड बबलू। अरे नहीं मोटू, देखो रोड आ गया। रोड प्लीज हम दोनों को कुछ ना करना, प्लीज हमें मत मारना। अरे मोटू ये मैं हूँ, पतलू। पतलू नहीं, तुम पतलू नहीं हो, तुम रोड हो। तुम पतलू की आवाज की एक्टिंग कर रहे हो, मैं जानता हूँ तुम मेरे तो पतलू नहीं हो सकते। अरे यार मोटू ये मैं ही हूँ, पतलू। मैं रोड का सूट पहन कर आया हूँ तुम दोनों को यहाँ से बचाने के लिए। पतलू मेरे दोस्त, क्या ये सच में तुम हो? हाँ यार मोटू, ये मैं ही हूँ तुम्हारा दोस्त पतलू। लेकिन पतलू मेरे दोस्त, तुम्हें सूट पहन कर क्यों आए हो, और ये सूट तुम्हें किसने दिया? मोटू ये सूट मुझे डॉक्टर चाचा ने दिया है, और ये मैं इसीलिए पहन कर आया हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना सके और मैं आसानी से फैक्ट्री के अंदर आ जाऊँ और तुम दोनों को यहाँ से बचा के ले जाऊँ। अब तुम दोनों पीछे हट जाओ, मैं अभी इस जेल को तोड़ के तुम दोनों को यहाँ से बचाता हूँ। अरे ये कौन है? रोड, लेकिन रोड तो मैं हूँ, फिर ये कौन है? कहीं ये पतलू तो नहीं है जो रोड बन के फैक्ट्री के अंदर घुस आया है? मुझे तो ये पतलू ही लगता है। इससे पहले कि ये अपने दोस्तों को बचा के यहाँ से ले जाए, मैं जल्दी से इनके पास चलता हूँ। चलो मोटू बबलू, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि रोड यहाँ आ जाए। चलो जल्दी। इतनी जल्दी क्या है बच्चे, अभी तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। पतलू मेरे दोस्त, रोड आ गया। मोटू तुम डरो मत, मैं अभी इस रोड को मजा चखाता हूँ। रोड, तुमने मेरे दोस्त मोटू और बबलू को पकड़ के अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये लो। मोटू बबलू, रोड मर गया है, चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। इन बच्चों को क्या लगता है, क्या रोड इतनी आसानी से मर जाएगा? बच्चों तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं वापस आऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कर दो हमारे चैनल फन टेकर्स को सब्सक्राइब, और साथ में बेल वाला आइकन भी दबा देना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। टाटा अलविदा यार, बाय बाय।